और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको लाइन पंप फिटिंग करके दिखाएं, कैसे फिटिंग करेंगे और उसकी क्या टाइमिंग होगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देख सकते हैं दोस्तों लाइन पंप है, चलिए हम इसको फिटिंग करके दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं इसका घाट बना हुआ है चाबी का, जहाँ पर की लगती है उसको चलिए हम फिट कर देते हैं और उसके बाद में इसका टाइमिंग बताते हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या फायरिंग ऑर्डर रहेगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्तों हम पहले पंप को अच्छी तरह से फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हम टाइमिंग को बताएंगे। और इसमें जो एक नट लगा रहता है लॉक, उसको हम लॉक कर देंगे, दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो पंप अपना है बाहर की तरफ रिटायर होगा और अंदर की तरफ एडवांस। चलिए हम पंप को पहले अच्छी तरह से फिटिंग कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करके भी दिखाएंगे कि हमने टाइमिंग मिलाया है सही है कि नहीं है या उसमें कोई दिक्कत है। चलिए देख सकते हैं हमने पंप को फिटिंग कर दिया है, चलिए उसके बोल्टों को लगा देते हैं। बोल्ट फिटिंग होने के बाद स्टार्टिंग करके दिखाएंगे और टाइमिंग बताएंगे क्या कैसा रहेगा। दोस्तों इसमें जो टाइमिंग रहेगी पंप की वो इंजन की, जिधर हाइड्रोलिक पंप लगता है उधर से हम लेते हैं टाइमिंग को, ना कि रेडिएटर की तरफ से। इसमें एक नंबर वाल और दो नंबर और एक नंबर वाल, दो नंबर वाल और छः नंबर वाल फ्री रहेगा, बाकी अपनी सही पोजीशन पे रहेंगे और इसी तरह पंप की टाइमिंग होती है। और दोस्तों जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो 1-3-2 रहता है, हम इसका टाइमिंग पीछे की तरफ से लेते हैं हाइड्रोलिक पंप तरफ से, ना कि रेडिएटर तरफ से। दोस्तों अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि कैसे स्टार्ट होगा और पंप देख सकते हैं। चलिए हम नट को फिटिंग कर देते हैं और फिटिंग करने के बाद देख सकते हैं हमने लॉक नट को फिट कर दिया है और उसके नोजल को लगा देते हैं, जो कि 3 नोजल है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। डीजल पाइप को लगा के भी स्टार्ट करके दिखाएंगे कैसे स्टार्ट होगा। और चलिए हम बोल्टों को टाइट कर देते हैं जो कि पंप की फंसा रहता है और उसके बाद में हम फिटिंग करेंगे। हमने पंप के सभी बोल्टों को टाइट कर लिया है और चलिए हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। टाइमिंग हमने आपको बता ही दिया है कि हाइड्रोलिक पंप तरफ से टाइमिंग लेते हैं, ना कि हमने पंप की टाइमिंग आपको बता दिया है कि कैसे टाइमिंग होती है और कैसे सेट करेंगे। देख इसकी दोस्तों टाइमिंग होती है जो कि हम हाइड्रोलिक पंप की तरफ से लेते हैं, जो कि 1 नंबर वाल, 2 नंबर वाल और 6 नंबर वाल फ्री रहेंगे, बाकी अपनी सभी टाइम पर रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करके आप दिखाते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और किस पोजीशन पे स्टार्ट होगा। चलिए एक बार टेपिट को भी मिला देते हैं, देख सकते हैं हमने, देख सकते हैं दोस्तों हम इंजन को घुमा के चेक कर रहे हैं एक बार, तो हल्का सा स्मोक आ रहा है। और स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे स्टार्ट होता है और पंप की टाइमिंग हमारी सही है या नहीं, और हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ कि इसमें क्या हो सकता है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए देख सकते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रोलर को, जो कि डायनापैक 125 cc है, देख सकते हैं दोस्तों ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पूरा हेड के ऊपर से पूरा धुआं धुआं निकल रहा है, पूरा वाइट स्मोक आ रहा है। आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके अवश्य बताएँ कि कैसे हो सकता है और क्यों आ रहा है इतना स्मोक। हमने पंप को रिपेयर करवाया है और फिटिंग कर किए हैं और स्टार्ट किए हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी अंत तक वीडियो देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत जय हिंद जय भारत, शुभ दिन।